गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मैंने पिछली कक्षा में ये बताया था कि किसी समांतर श्रेणी का अगर आपको योगफल ज्ञात करना हो उसके सभी पदों का, तो कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और उसके जैसे कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और उसके कोई भी कितने भी पदों का अगर वो योगफल निकलवाए तो आप ज्ञात कर सकते हो। उसके अलावा मैंने ये भी एक सूत्र उत्पत्ति करवाई थी कि अगर कोई समांतर श्रेणी का योग दे रखा हो, उसका अंतिम पद दे रखा हो, तो अंतिम पद की सहायता से आप उसका योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, फिर आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कोई समांतर श्रेणी है जिसमें ये कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें पूछा गया है कि उसमें कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल कुल योगफल कितना आ जाए, 636। अर्थात कोई समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 17, 25, इसके पद स्टार्टिंग शुरुआत के पद ये दे रखे हैं। फिर वो पूछ रहा है कि कितने पद जोड़ू कि हमारे उन सभी पदों का योगफल कितना आ जाए, 636। कितने पद लिए जाए अर्थात यहाँ पर क्या ज्ञात करने हैं, पदों की संख्या, जिन पदों का योगफल कितना होना चाहिए, 636। तो आप कैसे करोगे इस सवाल को, पहले दी हुई समांतर श्रेणी कितनी है, 9, 17 और 25। अब समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वांतर लिख लीजिए, क्योंकि समांतर श्रेणी कौन सी दे रखी है, 9, 17, 25 के प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पहले स्थान पर क्या है, 9, तो प्रथम पद ए का मान कितना हो गया, 9। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हो, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हो, अर्थात 17 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा, 8। समांतर श्रेणी के प्रथम पद आ गया, अब सार्वंतर आ गया, अब हमें कितने पद का योगफल कितना दे रखा है, 636। आपको पता है योगफल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एस से, और एन पदों के योगफल को एस एन से। हम जिस प्रकार से पिछले वाले जब प्रश्नावली करवाई थी उसमें समांतर श्रेणी में हमने जब भी ऐसे पदों की संख्या ज्ञात की थी और हमें अंतिम पद दिया हो तो हमने उससे क्या मान लिया था, एन पद वाला, ठीक है, एन वा पद। इसी प्रकार हम मान लेंगे कि एन पदों का योग कितना है, 636। जैसे हम कोई भी पद था उसको अंतिम पद मान लिया करते थे, एन वा पद मान लिया करते थे, ऐसे हम मान रहे हैं कि एन पद है उन सभी का योग है वो 636 आ रहा है। तो बस हमें किसका मान निकालना होगा, एन का, तब पता चल जाएगी हमें पदों की संख्या। तो एन पदों का योग को किससे प्रदर्शित करता है, एस एन से, वो किसके बराबर हो जाएगा, 636 के। और आपको पता है समांतर श्रेणी एन पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाय टू टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र होता है, एस एन बराबर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का मान आपने मान ही लिया कितना हुआ, 636 के बराबर। एन का मान आपको ज्ञात करना ही है, यही तो ज्ञात करना है, पदों की संख्या। ए का मान कितना है आपके पास, 9, प्लस एन का मान आपको ज्ञात करना ही है, और डी का मान कितना आ गया आपके पास, 8। हल कर लीजिए, ये दो भाग में इधर आके गुणा में, तो 636 गुणा में 2 बराबर एन, अंदर के पदों को गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18 प्लस में 8 को अंदर गुणा कर लीजिए, तो 8n - 8, ठीक है, 8n - 1 × 8 = 8। फिर 636 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 6 × 12, 6 और 7 और ये 1272। फिर n 18 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 10, 18 में से 8 गए तो 10, 10 प्लस में और क्या बचा शेष, तो ये हो गया 10 + 8 है। अब n को अंदर गुणा कर लीजिए, 1272 बराबर n को 10 से गुणा किया तो 10n प्लस में n को 8 से गुणा किया तो 8n² यही आएगा। अब देखो ये एक समीकरण बन गई, द्विघातीय समीकरण, 8n² सबसे बड़ी घात का पद, 8n² पहले लिख लिया प्लस में 10n, और यहाँ से 1272 पक्षांतरण करके हम इधर ले आए तो कितना आ गया, 8n² + 10n -
का 1272 बराबर में जीरो पक्षांतरण करने पर, 1272 का पक्षांतरण कर दिया हमने। अब ये देखो, ये एक द्विघातीय समीकरण बन गई, ठीक है, क्योंकि यहां पर किसी भी चर की, द्विघातीय समीकरण क्या होती है, किसी भी चर की उच्चतम घात कितनी हो, दो हो, तो उच्चतम घात दो होने वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद। तो ये द्विघातीय समीकरण हो गई, बहुपद नहीं है क्योंकि ये समीकरण है, क्योंकि बराबर में क्या आ रहा है, जीरो। तो ये एक जो कि एक द्विघातीय समीकरण है। सबसे पहले इसमें इसमें और हल कर सकते हैं, देखो अगर मैं पूरी पूरी समीकरण में दो का भाग दे दूं, जो कि पहले लिख लेते हैं, जो कि द्विघातीय समीकरण है, दो का भाग लगा दो पूरे इसमें इक्वेशन में, मैंने मान ली समीकरण एक, समीकरण एक में दो का भाग लगाने पर, दो का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसको सरल कर लेंगे हम, और दो का भाग लगाने पर या देने पर, दो का भाग देने पर, ठीक है, 8n² में दो का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 4n² प्लस में यहाँ पर 5n माइनस का दो का 6, 636 बराबर में, इधर भी जीरो में भी दो का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, जीरो। ये आपकी एक इक्वेशन है। अब आपको इसका क्या करने होंगे, गुणनखंड, गुणनखंड करके आप किसी भी, गुणनखंड करने की मैंने आपको पहले विधि बता चुकी हूँ, प्रश्नावली 3 में गुणनखंड करने की काफी सारी विधियां हैं, आप उनकी सहायता से गुणनखंड कर सकते हो। तो यहाँ पर द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए हम कौन सी विधि करेंगे, गुणनखंड करने पर हम इसका गुणनखंड करेंगे, और इससे हमें किसका मान प्राप्त करेंगे, एन का। अब देखो इसके गुणनखंड करेंगे, अब देखो मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद और तृतीय पद तीन दोनों को गुणा करके, अर्थात 4n² और साथ में क्या है, माइनस का 636, दोनों को गुणा करने पर जो भी गुणनफल आएगा उसके टुकड़े इस प्रकार से किए जाएं कि बीच वाले को जोड़ने या घटाने पर 5n आए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, ये, ठीक है। 636 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24, 12 13 14, 14 का 4 80 लगी 1, 6 चौक 24 और 1 25, तो माइनस का 25 44n², तो 4n² प्लस में 5n, ठीक है। अब टुकड़े किस, हमें गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 25 44 है, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5n। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके गुणनखंड करने पर ये क्या बनेगा, 53n में से अगर मैं 48n घटा दूं, देखो 53n में से मैंने 48 घटाया तो कितना आ गया, 53 में से 5, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 2544, वो भी माइनस के, तो 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर में जीरो। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, n, n कॉमन ले लिया यहां, तो यहाँ क्या बचेगा, 4n यहाँ पे प्लस में कितना, 53, यहाँ दोनों से कॉमन लिया माइनस का कितना, 48, माइनस का 48 नहीं, माइनस का 12, माइनस के 12 कॉमन लेंगे दोनों में, तो यहां से कितना बचेगा, 12 एकम 12, 12 चौक 12, 12 बार 2 24, 12 36 12 चौक 48, तो यहां से बचेगा 4n प्लस में कितना, 53, ठीक है। आगे आपके दो, तब आगे तो यहां समीकरण क्या बनी थी आपकी, 4n² उभयनिष्ठ लेने के बाद n 4n प्लस में 53 माइनस का 12, 4n प्लस में 53 बराबर में जीरो। यहां से 4n माइनस प्लस 53 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, n माइनस 12 बराबर में जीरो। यहां से दोनों तरफ इसका मतलब क्या होता है, ये अभी तो ये भी जीरो हो सकता है, दो संख्याएं गुणा में है वो किसके बराबर है, जीरो के। इसका मतलब होता है या तो ये वाली संख्या जीरो के बराबर है या ये वाली,
तो ठीक है, तो 4n+53 बराबर 0, या तो, या फिर क्या हो सकता है, n-12 बराबर में 0। यहां से अगर बराबर 0 हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 53 बटे में कितना, 4। यहां से हुआ तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं कि कभी भी पदों की संख्या अंश बटे हर में अर्थात परिमेय रूप में नहीं आएगी, हमेशा पदों की संख्या प्राकृत संख्या के रूप में आएगी। अतः n बराबर कितना, 12 होगा। आगे आपको दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करो यदि n वा पद an बराबर 3+4 हो। अब तक आपने पदों के योगफल का कैसे ज्ञात किया था, यदि आपको कोई श्रेणी दे रखी होती, कि श्रेणी दे रखी होती थी 3, 7, जैसे 10, ऐसे आपको अंतिम पद दे रखा होता था, या फिर वो बोल देता था इस श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको प्रथम पद पता होता था और सार्वंतर पता होता था, तब आप इससे 25 पदों का योगफल ज्ञात कर लेते थे, आपके पास सूत्र होता था। या फिर आपको इस प्रकार से दिया हुआ था कि कोई श्रेणी दे रखी होती थी, उसमें साथ में कोई अंतिम पद दे रखा होता था, कि मान ले जैसे 335 या कुछ ऐसा, जो भी अंतिम पद दे रखा होता था, अंतिम पद की सहायता से आप इनके पदों का योगफल ज्ञात कर लेते थे। फिर एक सवाल इस प्रकार से था कि आपके एन पदों मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती थी, अर्थात एन का मान ज्ञात करना पड़ता था कि इनका योगफल इतने पदों का है, तो आपका एन का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको सवाल इस प्रकार से दे रखा है कि 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है और एन वा पद दे रखा है। पहले तो आपको एन वे पद से समांतर किसी भी समांतर श्रेणी के अगर आपको पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आपको या तो प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए, या फिर आपको उसका अंतिम पद भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ अंतिम पद की सहायता से हम क्या निकालेंगे, एक समांतर श्रेणी, अर्थात समांतर श्रेणी निकल जाएगी, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, प्रथम पद तथा सार्वंतर। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले चूंकि समांतर श्रेणी का एनवा पद दे रखा है, एनवा पद का मान दे रखा है हमें ए एन बराबर में 3+4n। एनवे पद का मान, अगर हमको यहां से प्रथम पद निकालना हो तो कैसे निकालोगे, प्रथम पद अर्थात a1, a1 मतलब n की जगह क्या रखना होगा आपको, 1, तो n का मान रखा 1, तो 3+4 × 1, n की जगह क्या कितना रख दिया हमने, 1, तो हमें प्रथम पद मिल गया, उससे मिल गया 3 × 4 = 7। अगर आपको द्वितीय पद निकालना है, समांतर श्रेणी निकालनी है ना आपको, तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तीन पद तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, 3, 2, एन की जगह हमने कितना रख दिया, 2, तो 3 × 4 × 2, तो 3+4 कितना हो गया, 7, 8, और ये कितना आ गया, 11। तृतीय पद A3 बराबर कितना हो जाएगा, 3+4 × 3, एन की जगह हमने वापस 3 रख दिया, 3+4 = 12, कितना आ गया हमारा, 15। आ गए हमारे पास तीन पद, आ गए तीन पद हो गए, तो हमको समांतर श्रेणी मिल जाएगी। अतः समांतर श्रेणी, आप इस प्रकार से अगर कोई भी एन व पद दे रखा हो तो आप उससे समांतर श्रेणी बना सकते हो। अतः समांतर श्रेणी 7, 11, 15, ठीक है, इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलती जाएगी, और इसका एन व पद कितना होगा, 3+4n। अब आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में समांतर श्रेणी नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गया है कि 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है चूंकि एन पदों का योगफल का सूत्र आपको पता है, एन पदों का योगफल एस एन बराबर क्या होता है, n/2, 2a+n-1 × d, यही होता है। अब देखो इस सूत्र का उपयोग करना है क्योंकि हमें कितने पदों का योगफल चाहिए, 25 का, तो n का मान तो कितना हो गया यहाँ पे, 25, a का मान कितना हो गया यहाँ पे, 7, d का मान सार्वंतर निकाल लेंगे, समांतर श्रेणी से निकाल लीजिए। ठीक है, तो प्रथम पद a बराबर तो कितना हो गया हमारे पास, 7, d सार्वंतर बराबर मतलब 11 में से 7 गए तो कितना आ गया हमारे पास, 4, सार्वंतर का मान मिल गया, और n का मान कितना है यहाँ पर, 25, तीनों मान मिल गए, तो sn निकालो, s मतलब 25 पदों का योगफल, एस 25 बराबर 25/2, 2 × 1 का मान कितना हो गया, 7 +
25 एन की जगह क्या रखना है, 25 माइनस एक गुणा में कितना, 4, डी का मान 25 बटे में 2, 7 दुनी 14 प्लस, आपको बस इसको हल करना है, 25 में से एक गए तो कितना आया, 24, 24 को गुणा करना है किससे, 4 से, 25 बटे में 2, 14 प्लस 24 चौक 96, 96 में कितना जोड़ दिया, 14, 96 में 14 जोड़ा तो कितना आ गया, 110, 2 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, 55 बार, ठीक है, 2 का भाग लगाया 110 में कितनी बार गया, 55 बार, 25 गुणा करेंगे कितना, 55, 25 गुणा में 55 कितना हो जाएगा, 25 पंजू 125, 12 25 पंजू 125, 125 और 12 137, तो कितना आ गया, 1375, तो 25 पदों का योगफल, अतः समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल निकल गया। अगर वो आपसे 13 पदों का योगफल पूछता तो एन का मान कितना रख देते, 13, किसी कितने भी पदों का योगफल पूछे आप उतने पदों का योगफल ज्ञात कर दीजिए, अगर आपको एन व पद दे रखा हो, एन वे पद से आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, उसका समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी, एन वे पद से आपने समांतर श्रेणी बनाई, समांतर श्रेणी मिल गई तो हमें प्रथम पद और उसकी सार्वंतर मिल गया, प्रथम पद और सार्वंतर से आप कितने भी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आगे सवाल दे रखा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, पहले 51 मतलब प्रथम शुरू से ही ज्ञात करना है, शुरू से मतलब पहला दूसरा तीसरा 51, बीच के पद 51 नहीं, स्टार्टिंग से, ठीक है, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसमें उसने दे रखा है द्वितीय पद और तृतीय पद, ठीक है, दो पद दे रखे हैं बीच के, कि दूसरे पद का मान दे रखा है और तीसरे पद का मान दे रखा है, और उससे आपको कितने पद समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल। अब आपको मैं एक सवाल समझा चुकी हूँ कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर कोई भी दो पद दे रखे हो, उससे सबसे पहले उन दोनों पदों की सहायता से आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रथम पद और सार्वंतर, मतलब अर्थात आपको एक समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी, उससे आपको प्रथम पद या सार्वंतर मिल जाए, या फिर इन दोनों पदों की सहायता से आप सीधे ही प्रथम पद और एक सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए, उससे फिर आप उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कर लोगे सूत्र में रखे। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, समांतर श्रेणी का द्वितीय पद, चूंकि समांतर श्रेणी का द्वितीय पद, अर्थात द्वितीय पद को किससे प्रदर्शित किया जाता है, A2 से, द्वितीय पद A2 बराबर कितना हो गया, कितना दे रखा है, 14, और A2 का मान आपको पता है किसी भी श्रेणी के समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का, जो n पदों के योगफल सॉरी n वे पद का मान कितना होता है, an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये कौन से सूत्र होता है, एन वे पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हमको कौन से श्रेणी का ज्ञात करना है, द्वितीय पद का ज्ञात करना है, ठीक है, और तृतीय पद कितना दे रखा है हमें, A3 बराबर कितना दे रखा है, 18, क्योंकि समांतर श्रेणी है तो कोई ना कोई प्रथम पद होगा और सार्वंतर होगा, हमने क्या मान लिया कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, माना समांतर श्रेणी का, क्योंकि उसने पहले से ही दे रखा है कि वो एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो उसका प्रथम पद मान लिया हमने A तथा सार्वंतर D, सार्वंतर डी है, ठीक है, प्रथम पद मान लिया और सार्वंतर मान लिया। अब हमको द्वितीय पद, चूंकि पता है हमको A2 बराबर कितना होता है, A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, An बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमको कौन सा पद निकालना है, A2, तो n की जगह कितना रख दो, 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ गया यहाँ से, A प्लस में 2 में से 1 गए तो 1, तो A प्लस में डी, A2 का मान कितना हो गया, A प्लस में डी, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, और A2 का मान कितने के बराबर है, 14 के, तो A प्लस डी बराबर 14, ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, पहली इक्वेशन। इसी प्रकार आप कौन सी इक्वेशन निकाल सकते हो, दूसरी इक्वेशन A3, A3 बराबर कितना हो गया,
नीचे कर लीजिए कि A3 तृतीय पद का मान दे रखा है, तो हमने A3 निकाल लिया। A प्लस में n की जगह वापस क्या रख दिया इसने, अब 3, तो A की जगह 3 रखा, तो A3 का मान कितना है आपके पास 18, तो 18 बराबर A प्लस 3 में से एक गया तो कितना आ गया 2D। तो एक सिक्वेशन ऐसे आपकी एक ये बन गई और एक ये बन गई, बन गई दो समीकरण। इस तरह का सवाल आप पहले कर चुके हो कि आपको दो पद दे रखे हो कोई से भी, उनसे आपको दो समीकरण मिलती है, दोनों समीकरण से आपको प्रथम पद और सार्वांतर निकालना होता है। अतः समीकरण एक में से दो घटा दो या दो में से एक घटा दो, आपकी बात है, कोई सी भी विधि से आप इनको हल कर सकते हो। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर या प्रतिस्थापन विधि भी कर सकते हो, a प्लस में 2d बराबर में 18, उसमें से कितना घटाना है a प्लस में d बराबर में 14, घटा दीजिए, चिन्ह परिवर्तित हो गया घटाने पर, a में से a गया तो कितना आ गया 0, 2d में से कितना d गया 8d, तो कितना बचेगा हमारे पास 1d, फिर 18 में से 14 गए तो कितना आ गया 4, तो सार्वांतर d बराबर कितना आ गया 4, सार्वांतर डी का मान मिल गया। अब डी का मान कौन से समीकरण में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, डी का मान मैंने समीकरण एक में रख रही हूं, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखा तो हमें क्या मिल गया 14 बराबर ए प्लस में डी का मान कितना आया 4, ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया 14 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 10, तो यहां से हमें ए बराबर कितना मिल गया 10, प्रथम पद मिल गया। अतः प्रथम पद ए बराबर 10 और सार्वांतर डी बराबर 4, दो चीज मिल गई, प्रथम पद और सार्वांतर। अब प्रथम पद और सार्वांतर, हमसे सवाल में ये नहीं पूछा गया है कि ए और डी का मान, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि पहले 51 पदों का योगफल, आपको पता है एन पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र होता है। बस मान रखे हमें कितने पदों का ज्ञात करना है, 51 पदों का, तो एस 51 बराबर एन का मान कितना हो गया 51, तो 51 बटे में 2, 2 गुणा में ए का मान 10 प्लस में 10 माइनस 1 गुणा में, सॉरी 10 नहीं, 51 माइनस 1 गुणा में 4 डी का मान, बस जो मान है आप उनको रखते जाइए, 51 बटे में 2, 2 गुणा 10 मतलब 20 प्लस 51 में से एक गए तो कितना आ गया 50, 50 को किससे गुणा करना है 4 से, 51 बटे 2 20 प्लस में 50 गुणा 4 कितना हो गया 200, 200 और 20 कितना हो गया 220, तो 51 बटे 2 गुणा में 220, 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 110, तो 51 गुणा में 110, 51 गुणा में 110, तो 11 एकम 11, एक हासिल 11 पंजू 55, 55 और एक 56, तो कितना आ गया आपके पास 5,610, ठीक है, तो 51 पदों का योगफल आ गया हमारे पास 5,610, ठीक है। क्या करना है दोबारा देख लीजिए कि आपको कोई भी दो पद दे रखा हो तो दोनों पद से आप दो समीकरण बना लीजिए, क्योंकि हमें पता है एनवे पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसकी सहायता से हमने ए टू और ए थ्री का मान कर रख के दो समीकरण बना लिए, दोनों समीकरण से हमें प्रथम पद और सार्वांतर मिल गया, प्रथम और पद और सार्वांतर का मान हमने एन पदों के योगफल के सूत्र में रखा और वहां से हमें 51 पदों का योगफल मिल गया, ठीक है, थैंक यू, बाय।